मतलब इंटरेक्शन ऑफ साउंड एट इंटरफेस। इंटरफेस को समझते हो, बाउंड्री। तो कल से वही हम लोग कर रहे हैं कि जब भी साउंड कम्स अंडर इंटरफेस, व्हेनेवर साउंड कम्स अंडर इंटरफेस, सम ऑफ द एनर्जी रिफ्लेक्टेड एंड सम ऑफ द एनर्जी रिफ्लेक्टेड। ओके, दिस इज आई, दिस इज आर। The circle sin I upon sin R is equal to V1 upon V2। दो चीजें हो रही है राइट। अभी पिक्चर में तीसरा हीरो भी आ रहा है। तो वो कन्वर्शन मतलब जब भी इंटरफेस पे आता है तीन चीजें होती है, एक रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड एंड थर्ड इज मोर कन्वर्शन। अब आप सोचेंगे व्हाट इज मोर कन्वर्शन, ये नया कैरेक्टर क्या है मोर कन्वर्शन। कल पता है मोड्स ऑफ प्रोपगेशन याद है, मोड्स ऑफ प्रोपगेशन। साउंड के कितने कितने मोड्स है, तीन। कौन सा कौन सा ये वाला याद है? हां, बोलने आना चाहिए, दैट इज वही कॉम्प्रेशनल वेव, शियर वेव तीसरा कौन सा है, सरफेस वेव। साउंड जो आता है ओरिजिनल जो साउंड निकल रही जो हमें बात कर रहा हूँ या हम कुछ जनरेट करते हैं माइक में गाते हैं मोबाइल में गाते हैं, साउंड हमेशा कॉम्प्रेशनल ही होगा। जो जनरेट होता है साउंड जो हम पैदा करते हैं, जो साउंड जो पैदा होती है वो हमेशा कॉम्प्रेशनल ही होती है। लेकिन जब वो एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री पर क्रॉस करेगा वो दो भावों में बढ़ जाएगा, दो भागों में बढ़ेगा। मतलब क्या होगा, यहां पे जो ओरिजिनल था कॉम्प्रेशनल था जब ये सेकेंड मीडियम में आएगा आपको दो वेव्स मिल जाएगा, एक कॉम्प्रेशनल दूसरा शियर, मोर कन्वर्शन।